व्लॉग एडिट कर रहा था इसलिए लाइक अभी कैमरा उठाना टाइम मतलब कैमरा उठाने का मौका मिला। तो लाइक अभी का सीन ये है कि यार जयपुर में घूमने लायक बहुत सारी जगह है। लाइक जयपुर आप एक दिन में एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो, 2 दिन में कम से कम एटलीस्ट 5 डेज आपको लगेंगे यहाँ को एक्सप्लोर करने में। बट मैंने 2-3 जगह फाइनल आउट किया है कि हाँ चलो ठीक है शामगढ़ में घूम के आएंगे घर के। ठीक है, और यहाँ पर से विंडो व्यू मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ माई विंडो व्यू। लाइक यहाँ इस जगह पे ना यहाँ से नीचे में लाइक कबूतर लोग रहते हैं, एंड वो जो वो गैप दिख रहा है ये ब्लैक वाला, इसके बीच में लाइक ट्रेन चलती है, वो देखो कबूतर। एंड यस दिस इज़ माई रूम फॉर अ नाइट फॉर टुडे ऑल्सो। लाइक मुझे एक जगह जाना है जो है आमेर फोर्ट, एंड सेकेंड है हवा महल। हवा महल तो खैर नहीं जा सकता, 5 बजे क्लोजिंग टाइम है उसका, और अभी ऑलरेडी 4 बज रहे हैं और वहाँ पे टूरिस्ट बहुत है। लाइक जयपुर और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है, बहुत बुरी भरी हुई। इवन मेरी होटल भी जो है ना, ये जो मेरा होटल है ये भी पूरा फुल है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने लाइक लास्ट मोमेंट में मैंने ऑनलाइन बुक कर लिया तो मुझे रूम मिल गया, और रूम एक नंबर है। तो हवा महल तो अंदर से नहीं देख पाएंगे, लेकिन बाहर से मैं दिखा सकता हूँ रोड से। आमेर फोर्ट जाएंगे, एंड थर्ड है जल महल। तो देखते हैं क्या क्या कवर हो सकता है। ठीक है तो चलते हैं। सो दैट्स माई होटल, होटल गंधर्व। मैंने बाइक को पार्क्ड करके रखा है। तो जी अभी हम पहले जा रहे हैं अंबर पैलेस। अपने डेस्टिनेशन की ओर इसमें बट ये नोटिफिकेशन आया है यार कि 5:30 बजे बंद हो जाता है, 5-5:30 बजे। 6 बजे फिर से खुलता है अंबर पैलेस, आमेर का फोर्ट। अब देखो क्या सीन है। वाह यार, मुझे रात में लगा ये कोई फोर्ट होगा, बट ये गेट है और बहुत सुंदर गेट है ये। आई थिंक जब राजा महाराजा लोग रहते होंगे ना तब यही एंट्री गेट होगा उनका, और बहुत मस्त बनाया गया है यार इसको। वाह, मैंने मुगल्स का देख लिया, अब मुझे राजपूतों का भी देखना था, दैट्स व्हाई आई एम हियर। शाम को निकलने का रीज़न यही था कि लाइक धूप थोड़ा सा कम हो जाए ना तो फिर घूमने में भी अच्छा लगे। नाहरगढ़ रोड। ओ जी रुको जी, हमको थोड़ा सजा होने दो जी। ऊट लाइक यहाँ के लोग कैसे बोलते होंगे यार, माता श्री हमारे लिए खाना प्रस्तुत किया जाए। वाह खमागणी आप सभी को खमागणी। अंबर फोर्ट दिल्ली बाईपास रोड। ए भाई ये क्या कर रहा है, फोर व्हीलर में आता ना मैं बहुत सारी कुछ कुछ खरीद के लेके जाता है यार यहाँ से। इवन मैं कश्मीर से भी बहुत कुछ खरीदता, लेकिन 2 व्हीलर्स के ये एक डिसएडवांटेज होता है ना मेरे पास, लेकिन यू नो लगेज ऑलरेडी इतना भरा हुआ है मेरा। मेरे राइट साइड में जल महल है जो कि बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है, लेकिन आई थिंक इसकी एंट्री बंद हो जाएगी अभी कुछ देर बाद, 6 बजे के बाद आई थिंक बंद हो जाती है। हमको तो वो फोर्ट में जाना ऊपर वाले। तो जी यहाँ से रास्ता शुरू हो गया है अंबर फोर्ट के लिए, जो कि यहाँ से अप्रोक्स 2.5 किलोमीटर। यहाँ पे है नाहरगढ़ फोर्ट के लिए लेफ्ट जाना है, और मुझे पहले यहीं चलूँ क्या? नहीं पहले उधर से होते हुए आऊँगा मैं। इस जगह से हम एंटर करते हैं। ओ भाई साहब,
ओ तेरी तो, ये तो अलग ही लेवल की चीज है यार। अरे यार ये है कि वो ऊपर वाले कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत फैला हुआ है यार ये फोर्ट। या तो ये हो सकता है कि मैं एंटर कर चुका हूँ फोर्ट में, ठीक है, और मुझे पता नहीं होगा, मतलब उसके रेडियस में मैं आ चुका हूँ, घुस चुका हूँ, क्योंकि इधर भी है इधर भी है, तो समझ में नहीं आ रहा ना। कॉल्ड आमेर रोड, आमेर जाते हैं इस रोड से, जहाँ से जोधा बाई थी जिनकी शादी हुई थी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से। यहाँ पे लाइट शो होता है, केसर केसर क्यारी गार्डन। ओके सो दिस इज, अरे यार ये तो खतरनाक भाई, अगर ये फोर्ट है ना बहुत खतरनाक। इसकी फोटोज तो मैं निकालूंगा, एक अभी निकालूंगा, कैमरा से ही निकालूंगा। सो दिस इज़ द पार्किंग एरिया जहाँ मुझे अपनी बाइक लगानी पड़ेगी। जाना कहाँ से है वे? सो गाइस दिस इज आमेर का फोर्ट। सो गाइज अनफॉर्चुनेटली देर इज़ नो गाइड, अदरवाइज लाइक डिटेल भी देता तो जस्ट बी रोल लिया है मैंने। बहुत अमेजिंग है, बहुत सुपर सा है और बहुत तराश के बनाया गया है। सो तो जी जो जोधा बाई थी वो यहीं से थी, जलालुद्दीन अकबर यहीं आए थे। आके बहुत अच्छा लगा यार, ये राजपूत लोगों का देख के, लाइक मुगल्स मुगल्स का ही देखा था मैं हर बार, बट फर्स्ट एक्सपीरियंस सुपर। और वहाँ जाने का मन था मुझे, दो दिन पहले का फोटो वो उस स्टॉप में, बट अनफॉर्चुनेटली ट्रेन की कमी होने की वजह से बस 6 बजे जो है वो फोर्ट जो है वो बंद हो जाता है, तो वापस जाना पड़ रहा है। और अब लाइक कोई दूसरे लोकेशन में देखते हैं, हालांकि 6 बजे लाइक सारा चीज़ बंद हो जाता है। तो अब ट्राई बस यही कर रहा हूँ कि लाइक जो जो मिल जाए वो मैं कवर कर लूँ। तो अब यहाँ से लाइक बची है जलमहल और हवा में, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ कवर हो सकता है। और यही तक थी इसकी कहानी। पहले की बात बताऊँ, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, एक आदमी आया इसे आया था, तो क्या हुआ गाड़ी लगा गया, एक दूसरी गाड़ी के ऊपर कैमरा था, 1-15 लाख का कैमरा छोड़ दिया और एक गड्डी छोड़ दिया, वो तो मेरे हाथ में लग गया नसीब से। वही इसीलिए मैं आपको बोला कि थोड़ा सा देखना, 10 मिनट वापस आया घबराते हुए, भैया आपने मेरा कैमरा और रोड पे कुछ पे पैसे रखे थे। हाँ सॉरी सॉरी। हाँ चलो जी। और हम चले यहाँ से, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है यार ये, बहुत ब्यूटीफुल है। तो मुझे दिख गया, आप लोगों को शायद ही दिखेगा, लेकिन बाइक पार्क भी तो करना है ना, मेरे को पार्किंग में ही करना है बिकॉज वहीं पे मुझे सेफ लगता है। अब देखो यार पार्किंग कहाँ पे है इसकी।
एक फ़ोटो निकालते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं भाई, तो टाइम खोटी नहीं करना यहाँ पे। So that is Jal Mahal. Wow. जी यहाँ से निकले। एक्चुअली बाइक पार्किंग नहीं है यार, अदरवाइज ना मैं थोड़ा देर रुकता है यहाँ पे, लोकल शॉपिंग भी करता, बट कोई ना, बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड यहाँ पे लाइक कोविड का सिचुएशन भी है, तो रिस्क लेने से अच्छा है कि भैया चलो यहाँ से। सो गाइस दिस इज हवा महल। वाह यार मस्त दिख रहा। एक फोटो भी ले लेता हूँ मैं इससे। हम अपने होटल पे, होटल गंधर्व,